Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से एक बहुत ही दुखद खबर निकल कर आ रही है। श्रीलंका के राजधानी कोलंबो और अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक 8 सीरियल ब्लास्ट होने की खबर है। श्रीलंका के टाइम के मुताबिक यह घटना सुबह 8:45 की है। 5 चर्च और 3 होटल में यह ब्लास्ट होने की खबर है। आज ईस्टर का त्यौहार होने के नाते चर्च में भारी भीड़ थी। हमारे सूत्रों के मुताबिक अभी तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि लोग शांति बनाए रखें और अफवाहों पर नज़र न दें। और हमारे भारत देश के विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में हम श्रीलंका सरकार के साथ हैं और हम श्रीलंका सरकार के संपर्क में हैं और भारतीय राजदूत के संपर्क में हैं। और भारत सरकार ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए 9477790302 पर संपर्क करने के लिए कहा है। श्रीलंका में 200 से भी ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया गया है और सोमवार और मंगलवार को कॉलेज, स्कूल और सभी सरकारी ऑफिसेज बंद करने का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम सब साथ हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उचित कदम उठा रहे हैं। आप सभी लोग शांति बनाए रखें और अफवाहों पर नज़र न दें।